वर्कआउट से बेटर और डाइट से जिंदगी में कोई अच्छी चीज है ही नहीं। आप स्किन पे मेरी ग्लो देख सकते हो कि वर्कआउट कर शूटिंग माई लाइक बैग हॉल टूडे और मैंने अपने सारे बैग्स लगा दिए हैं और मैंने इसके लिए एक लूज फिट शर्ट डाली है आज के लिए। मुझे कुछ कम्फी पहनना था एंड मैं आपको अपना बैग कलेक्शन दिखाती हूँ। मेरा बैग का हॉल मैं करने वाली हूँ लेकिन मैं अभी आपको हाफ ही दिखा रही हूँ, वो आप मेरी अलग वीडियो में देखोगे। रेडी, आपको BTS दिखा देती हूँ। ये मैंने नॉर्मल शर्ट डाला हुआ है ब्लॉग के लिए, मैं बैग हॉल शूट कर रही हूँ और मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे का लोअर दिखेगा नहीं, नीचे लोअर और होम स्लीपर्स डाले हुए हैं, पीछे थोड़ा मैनेज कर लेना चलता है इतना तो। और नीचे सारे मैंने अपने बैग्स और पूरा एक मिनी मैंने सेटअप, मुझे काफ़ी टाइम से करना था इस वाले घर में। जब से आई मैं बाहर ही काम से, मतलब शूट पे बाहर ही थी या मैं कम रही, तो मैंने ये प्रिटी सा शर्ट डाला हुआ है और अब करते व्लॉग। और वो सारा कुछ मैं आपको हॉल दिखाने वाली हूँ, आपको बैग हॉल बैग वाले व्लॉग में ही देखना होगा, तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ, तो बस मुझे इतना दिखाना था। लेट्स गो, विल स्टार्ट अ वीडियो। शूट हो गया है कंप्लीट और अब मैं करने वाली हूँ डिनर फाइनली। आज मैंने लाइक दो कंटेंट वीडियो शूट की है और एक बैग, मतलब दोनों बैग्स का ही, बैग से रिलेटेड है, आगे पीछे डालने वाली हूँ। और अब मैं खाने वाली हूँ दाल, क्योंकि रात में मैं दाल खाती हूँ एक बाउल, आप देख सकते हो थोड़ा खा भी लिया है। दाल खाऊंगी एंड उसके बाद मैं बैठूंगी एडिटिंग पे। सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, मतलब वही सेम रूटीन। आज कहीं जाना नहीं था तो आज का दिन मैंने पूरा, मतलब अपना वीडियोज जो शूट करनी थी वो सारा काम किया। एंड मेरी स्किन लाइक इतनी अच्छी लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती। आज मैंने हल्का, लाइक मैं मेकअप नहीं कर रही थी काफ़ी टाइम से, आज सनस्क्रीन थोड़ा और हल्का टिंट अप्लाई किया और इतना प्यारा लुक आ रहा है ना, वाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स अ नेक्स्ट डे और अभी हो रहा है 5:30 और अब मैंने थोड़ा जल्दी उठने का रूटीन बनाया है, तो मैं मतलब लाइक 5:30 उठूँगी तो आराम से 6:15 तक जिम के लिए निकल सकती हूँ। तो मैं उठ गई हूँ, अभी मैं अपने लिए सुबह सुबह उठ के गरम पानी करती हूँ, वही कर रही हूँ गरम पानी, एंड देन जो भी मैं प्री मील लेती हूँ वर्कआउट से पहले वो लेने वाली हूँ और चलते हैं जिम सुबह सुबह। मैंने अपना गरम पानी पी लिया है और अभी मैं लाइक मैं ब्रश करके फटाफट आई गेट रेडी एंड आई लीव फॉर द जिम। अगर आप किसी के पीछे ऐसे बैठते हो तो आपको बाल पकड़ के बैठना पड़ेगा कि वो बार बार आपके मुंह पे ना लगे, ये एक बेस्ट तरीका है। चैलेंज करते हैं, गाइस रेडी। फिर से मेरी हाइट का मजाक बनाया है जिसने। हम एक क्या बोलते हैं इसको, जो भी हम कर रहे थे कुछ तो कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ, हम कर रहे थे ऐसे ये वाला। तो उसने बोला पैर और ऊपर कर, मैंने बोला कभी और ऊपर कर, और ऊपर, मैंने बोला टांगे इतनी और। एक इंसान का मजाक नहीं बनाते उस तरह, पता है, ये गलत बात है, तेरी हाइट लंबी है। तो फिर से मेरी हाइट का मजाक बनाया है जिसने। हम एक क्या बोलते हैं इसको, जो भी हम कर रहे थे कुछ तो कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ, हम कर रहे थे ऐसे ये वाला। तो उसने बोला पैर और ऊपर कर, मैंने बोला कभी और ऊपर कर, और ऊपर, मैंने बोला टांगे इतनी और। एक इंसान का मजाक नहीं बनाते उस तरह, पता है, ये गलत बात है, तेरी हाइट लंबी है। तो सो वी आर डन विद द वर्कआउट और डाइट चल रही है गाइस, बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। आप स्किन पे मेरी ग्लो देख सकते हो कि वर्कआउट करती हूँ जब मैं, आप स्कूटी निकाल लो, जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरी स्किन पे एक अलग ही ग्लो आता है। प्लस अभी थोड़ा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, शायद मे भी उसकी वजह से हो, बट मेरा वर्कआउट और डाइट बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत जल्दी मैं आप सबको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ और अभी उसका कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। आई लेट यू नो गाइस, जैसे ही कन्फर्म होता है, मतलब मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उस गुड न्यूज़ के लिए। मुझे बैठाने से पहले तेरी पूरी स्कूटी गाइस, अब मैं डेली ऐसे जाऊंगी, अपने सर पे, अपने फेस पे धूप मिट्टी कुछ नहीं लगने दूंगी। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुंबई में सड़क है ही नहीं बाइक स्कूटी गाड़ी चलाने के लिए। अगर इधर चल सकते तो इधर से खोद दिया है, अगर उधर चल सकते तो इधर से खोद दिया है। दिखाती हूँ, वेट गाइस, ये देखिए, ये सड़क तो फिर भी चलने लायक है, इस पे तो इंसान फिर भी चला सकता है चीज़ें। इससे आगे वाली सड़क दिखाती हूँ, ये सामने एक रास्ता जाता है,
अब इन्होंने खोद दिया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम उछल के जाओ कूद के जाओ, वो तुम्हारी हेडेक है। और आप रास्ते देखिए, मुझे मुंबई की बुराई नहीं करनी, जो मेरे मुंबई के दोस्त गाली बकेंगे, लेकिन आप हमारी स्कूटी से आइडिया लगा सकते हो यहाँ के रास्ते कितने साफ है। वाह, मुझे तो कभी लग रहा है जंपिंग जैक्स हमारे स्कूटी पे ही हो जाते हैं। गाइस, जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्कआउट से बेटर और डाइट से जिंदगी में कोई अच्छी चीज है ही नहीं, लेकिन जब मैं जंक फूड खाती हूँ और जब मैं सोती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया स्वर्ग है ही नहीं। मैं किसी एक चीज पे टिक ही नहीं पा रही हूँ। जो वो बहन आराम से यार, अरे क्या कर रहा, अरे ये मेरा है इवनिंग स्नैक्स, थोड़ा लेट हो गया आज। स्प्राउट से अनार है और कुकुम्बर, इसके साथ चल रहा है मेरा व्लॉग एडिटिंग पे। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं फटाफट आफ्टर जिम रेडी होकर मैं चली गई थी लोखंडवाला, क्योंकि मुझे करवाने थे अपने नेल्स, क्योंकि आज मुझे जाना था दिल्ली शादी में। तो मैंने फटाफट सोचा कि आज का ही टाइम है मेरे पास और फ्लाइट थी मेरी शाम की, तो मैं निकल गई सीधा नेल्स कराने के लिए। मैंने अपने लिए चूज़ किया कलर की मुझे कौन सा कराना है। मैंने बहुत प्यारी एक शेड ली, मैं फ़ोटो लगा दूँगी वहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि आप करवा सकते हो सिंपल में भी, और ज़्यादा नहीं 499 और 699 599 की रेंज में थे। बहुत सारा कलेक्शन था इनके पास, और मैं ये भी पिन कर दूंगी कि ये कौन सा, मतलब जहाँ मैं गई थी कौन सी जगह थी ये। उसके बाद मैंने फटाफट ऑटो लिया और मैं आ गई घर। मेरे पास बहुत कम टाइम था और आते ही मैंने की पैकिंग और निकल गई मैं एयरपोर्ट के लिए। सो मैं निकल गई हूँ एयरपोर्ट के लिए रेडी होकर, और घर आके नेल्स कराए, मतलब नेल्स करवा के आई थी, घर आके पैकिंग की। बहुत हवा चल रही है, बाद में बात करते हैं एयरपोर्ट पहुँच के। इसके बाद मैं फटाफट पहुंच गई थी एयरपोर्ट पे, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। और मैं कैब बुक कर रही थी, वो भी कैंसिल हो रही थी, तो मैंने पकड़ा ऑटो और मैंने सोचा कि यार छोड़ो सब कुछ और फटाफट पहुंचो एयरपोर्ट। और फाइनली मैं पहुंच गई, फाइनली चेक इन वगैरह सारी चीज़ें हो गई है, मुझे लगी अब भूख। और अब मैं अपने लिए ले रही हूँ चिल्ली पनीर बकेट रोल, एंड लेट्स ट्राई, भैया ने बोला बहुत टेस्टी है तो। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, बस कुछ देर में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, मेरे लिए क्या पूरी, मतलब सबके लिए। हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी गाइज, और इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है। मैं मस्त इन्जॉय कर रही थी, मैंने ये खाया और बस, उसके बाद तो मत पूछो। सो अब करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि मैं आज सुबह से थोड़ा डल थी और मुझे अपने काफ़ी काम ख़त्म करने थे, तो मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग भी नहीं किया। एंड देन वर्कआउट वगैरह सब खत्म करके मैं थक गई थी, रेस्ट किया, देन आई वेंट टू लोखंडवाला। आपने देखा ही होगा, नेल्स वगैरह कराए, आके पैकिंग की। अब बैठेंगे मस्त आराम से, और अभी हुए हैं 5:34 और 5:50 से बोर्डिंग शुरू है, तो वी कैन चिल टिल देन। एंड मैं ऑल ऑफ सडन वापस दिल्ली इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना है, मेरे मामा की बेटी की शादी है और मैंने उनके लिए सरप्राइज़ अरेंज किया है। उनको नहीं पता है दैट आई एम कमिंग, और मैं, मतलब कल की शादी है और मैं निकल रही हूँ थर्ड, मतलब मैं रात को 10-11 बजे घर पहुँचने वाली हूँ, और कल उनकी शादी है और कल मैं जाऊँगी उनकी शादी में। शादी है राजस्थान, तो हम कल रेडी होकर निकलेंगे, अभी मैं जाऊँगी अपने घर। यस, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है दैट आई एम कमिंग, अभी उनको ये नहीं पता है, मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ, सॉरी, अभी मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मैंने उनको कुछ नहीं बताया है कि मैं आ रही हूँ, और जाके मिलते हैं उनसे। आई नो बहुत खुश होने वाली है दोनों, मैंने बहुत ज़्यादा, अभी मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी, तब भी बोल दी थी आ जाओ आ जाओ, मैंने बोला छुट्टी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था बस पापा को, लाइक मुझे पता था, और रोहन को कि मैं आ रही हूँ। और अभी मिलते हैं कल उनकी शादी में, ये ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा कल सुबह तक, फिर दूसरा ब्लॉग शुरू हो जाएगा। इस मोमेंट में मुझे पता लग चुका था कि मेरी फ़्लाइट डिले हो चुकी है। मेरी फ़्लाइट थी 6:50 की और अब हो चुकी थी रात के 10:00 की। तो मैं ऐसे ही छोटा सा ये एक्सप्लोर कर रही थी शॉप्स जहाँ बहुत सुंदर चीज़ें लगी हुई थी। उसके बाद मुझे लगी भूख, तो मैंने हल्दीराम से अपने लिए ली थोड़ी चकली, मुझे चकली बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा एटलीस्ट टाइम पास कर लूँ, यही खा लूँ बैठ के। और उस दिन एक गलत बात होगी कि मैं अपने एयरपोर्ट भी अच्छे से चार्ज करके नहीं लेकर आई थी, तो उनमें बैटरी नहीं थी, तो वो भी मैं कुछ देख नहीं सकती थी फ़ोन में, और ऐसे ही बैठी थी आराम से चकली खा रही थी, इधर उधर देख रही थी, बस देख रही थी कि यार ये रात के 10 कब बजेंगे और ये फ़्लाइट कब चलेगी। और पहले मैं टेंशन में थी कि मैं लेट ना हो जाऊँ, और यहाँ आके बस मैं बोर हो रही थी 9 बजे, और मैं खुश हो गई कि एटलीस्ट बोर्डिंग शुरू होने वाली है। उसके बाद बोर्डिंग शुरू हो गई थी, बट लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं,
जब भी फ्लाइट डिले होती है, बट मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए ये चीज़ कि जो भी एविएशन होते हैं वो जानबूझकर कभी भी फ्लाइट डिले नहीं करते हैं, वेदर की वजह से या कोई टेक्निकल इशू की वजह से वो फ्लाइट डिले होती है। तो लोगों को भी इतना पेशेंस रखना चाहिए कि ये सब हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है। उसके बाद हम मुंबई से फ्लाई करते हुए, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, फ्लाइट में बैठ के जब हम ऐसे समुंदर के ऊपर से जाते हैं और पूरी मुंबई दिखाई देती है। उसके बाद आज एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई, ऑब्वियसली वेदर ख़राब था, टर्बुलेंस इतनी देर का कभी भी नहीं आता, आज बहुत देर का, एक मिनट के लिए मैं खुद भी डर गई कि यार इतना ज़्यादा, मतलब लोग लिटरली डर गए थे, एक दूसरे से बातें करने लग गए अचानक उठ के। एंड उसके बाद हम पहुंच गए दिल्ली, एंड दिल्ली पहुंचते ही तो आपको पता है एक खुशी का माहौल, क्योंकि नीचे खड़ा था रोहन, मुझे मिलना था रोहू से। एंड उसके बाद मैं बाहर उतरी और मैंने देखा यहाँ पर ठंड है बहुत ज़्यादा, और मुंबई में तो आपको पता है गर्मी है, तो अलग ही मज़ा आ गया दिल्ली में। दिल्ली आके पता चला है कि कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, मतलब मज़ा आ गया। मुंबई में इतने दिन से गर्मी थी, आते यहाँ पे मैंने जैकेट पहन लिया, बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे हमारी बस, फ्लाइट से उतर गए, लेट्स गो, बाहर रोहू मेरा वेट कर रहा है। इट्स टाइम टू मीट रोहू, वो बाहर वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और कब से वेट कर रहा है, फ्लाइट इतनी डिले हुई है ना, यहाँ एयरपोर्ट आके, दिल्ली एयरपोर्ट आके भी बहुत टाइम लगा था, मतलब जैसे गाड़ी को पार्किंग नहीं मिलती ना, फ्लाइट को पार्किंग नहीं मिली, बस वो एग्जिट पे खड़ा होगा गाइज। ओह माय गॉड, दिस इज़ टू हैप्पीनेस। मैं याशविक से मिलूँगी, क्यांग से मिलूँगी, हाय माय बेबीज। इतनी गाड़ी आ गई लेकिन रोहू की गाड़ी नहीं आई। रोहू कहाँ हो यार? मैं पहुँच गई अपने रोहू के पास। हेलो, हाय रोहू, और मुझे आते ही खानी है चाप। आ गए हैं, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे नहीं खाना था कुछ बाहर का, लेकिन मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा भूख लगी है। एंड उसके बाद मैं सारा अपडेट देती हूँ आगे का। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या बोलते हैं, मुंबई में इस टाइम खाना मिल जाता है, सच बता रही हूँ। और आज दिल्ली में, दिल्ली में आप होते हुए, आपके होते हुए खाना नहीं मिल रहा। अरे ये सैंडविच वगैरह नहीं खाना ना यार, बंद हो गया, लेजिट बंद हो गया सब कुछ। नहीं आगे और देख लो, यहाँ पे बर्गर सिंह है, बर्गर भी नहीं खाना, बट आओ वापस आओ। नोएडा की ब्यूटी है, ब्यूटी मॉर्निंग व्यू, गुड मॉर्निंग नोएडा। इट्स अ सेकंड डे और मैं पहुंच गई हूँ अपने घर और रेडी हो चुकी हूँ, और अब हम जा रहे हैं शादी में, जिनके लिए मैंने सरप्राइज रखा था उनको भी पता नहीं है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब चलिए आपको सारी शादी दिखाते हैं, मजे करते हैं, लेट्स गो। Woo!